नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। इन दिनों एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, ये नाम है अभिषेक सिंह। जी हां, यूपी के रहने वाले आईएएस अभिषेक सिंह के इस्तीफे ने सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। चर्चा ये भी है कि ये जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। फरवरी से निलंबित चल रहे आईएएस अभिषेक सिंह ने बीते दिन मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। बीते दिनों गणित उत्सव के दौरान फिल्मी कलाकारों को बुलाने के बाद से ये माना जा रहा है कि वे जल्द ही सियासी मैदान में उतर सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि इन दिनों अभिषेक सिंह किस वजह से चर्चा में है। दरअसल आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है, जिसे सियासत गर्मा गई है। वे गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रेक्षक ड्यूटी के दौरान कार के आगे फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालने के कारण चर्चा में आए थे। उन्होंने अपने नए कार्यभार के बारे में पोस्ट करने के कारण फरवरी 2023 में सेवा से निलंबित कर दिया गया था। अभिषेक सिंह के बारे में चर्चा है कि वो जल्द ही अपनी अगली पारी की शुरुआत सियासत से करेंगे। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस चर्चित नाम के बारे में आपको जरा विस्तार से बताते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो कम उम्र में ही किसी से प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से ये प्यार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। उस महिला ने उसे छोड़ दिया और वो भावुक और उदास हो गया और यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोच लिया, लेकिन किसी तरह उसने इस दबाव की स्थिति को संभाल लिया। वो इस स्थिति में बाहर निकलना चाहता था। आईएएस अधिकारी बनना उनका बचपन का सपना था, क्योंकि उनके पिता यूपी पुलिस में काम करते हैं और उनके पिता ने उन्हें आईएएस अधिकारियों के बारे में बताया था, वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं और एक आईएएस अधिकारी की शक्ति के बारे में बताया था, इसलिए उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने का फैसला लिया। यूपीएससी की तैयारी शुरू की और साल 2011 में वो आईएएस अधिकारी बन गए। वहीं उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बॉयज हाई स्कूल से पूरी की। उनकी 10वीं कक्षा में 79% था। उन्होंने 12वीं में उल्लेखनीय 91% अंकों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी बीए की डिग्री पूरी करने के लिए दिल्ली कॉलेज में प्रवेश लिया। अपनी बीए की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं अभिषेक सिंह के परिवार के बारे में बात करें तो उनके घर में उनके परिवार के 6 सदस्य हैं। उनके माता पिता, पत्नी और 2 छोटी बहनें हैं। वे यूपी इलाहाबाद से हैं। उनके पिता यूपी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते थे। उनकी माँ एक गृहिणी थी और उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी के रूप में काम करती हैं। क्या आपको पता है कि आईएएस अभिषेक सिंह को आपने कई गानों और शोज में देखा है? जी हाँ, अभिषेक सिंह को एक्टिंग का काफी शौक है। उन्हें कई बार स्क्रीन पर देखा गया। दरअसल 2019 के अंत में वो अपने आधिकारिक काम के लिए बॉम्बे जाते हैं और उन्हें अपने दोस्त के कार्यालय में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो दिल्ली क्राइम सीजन 2 की टीम भी होती है। उन्हें भी उनके दोस्त द्वारा आमंत्रित किया जाता है और उन्हें प्रत्येक के साथ बातचीत शुरू की। अन्य दिल्ली क्राइम ने अभिषेक से कहा कि सीजन 2 में एक आईएएस ऑफिसर का रोल है, क्या आप करेंगे? इस समय ये आईएएस अधिकारी घबरा गए, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं और वो ये भूमिका निभा सकते हैं, तो वो मान गए। अब तक उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने 2020 में दिल्ली क्राइम सीजन 2 में तो दिल तोड़ के बी प्रॉक के हिंदी गाने में भी दिखे थे। इसी साल उन्होंने 4-15 हिंदी लघु फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। साल 2021 में उन्होंने फिर से एक हिंदी गाना तुझे भूलना तो चाहा में जुबिन नौटियाल के साथ नजर आए। इस साल 2022 में उन्होंने धीमे धीमे गानों की पटकथा की और उन्होंने भारत के रॉ एजेंट ब्लैक टाइगर में रविंद्र कौशिक की मुख्य भूमिका निभाई। वहीं हम उनकी पोस्टिंग की बात करें तो उन्होंने 2011 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर 29/8/2011 को छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी के रूप में शामिल हुए। उसके बाद यूपी सरकार ने उन्हें नई दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। वहीं उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम दुर्गा शक्ति नागपाल था। वो उसकी बचपन की दोस्त है। ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। उस वक्त भी उसकी बचपन की दोस्त उसकी बहुत मदद करती थी। वे दोनों यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल ने 2011 में परीक्षा उत्तीर्ण की और आईएएस अधिकारी बन गई। और अभिषेक सिंह ने भी उसी वर्ष यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
तो ये तो हो गई आईएएस अभिषेक सिंह के बारे में पूरी जानकारी, लेकिन सवाल अभी बनता है कि क्या अभिषेक बहुत जल्द राजनीतिक पार्टियों में से किसी का साथ देते हैं, यानी क्या वो राजनीति में कदम रखेंगे। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए इन न्यूज़ टुडे के साथ।